आईडीटीवी की खास न्यूज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे जिंदा जालसाज को गिरफ्तार किया है जिसने विधवा पेंशन दिलाने के लिए जालसाजी का खुद मृत्यु प्रमाण पत्र एमसीडी से हासिल कर लिया। क्राइम ब्रांच गिरफ्त, आप देख रहे हैं एक ऐसे जिंदा जालसाज को जो दुनिया की नजरों में खुद को मरा हुआ घोषित कर अपनी ही पत्नी को विधवा पेंशन दिलाने के लिए एमसीडी से जालसाजी कर खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल किया है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले को सुलझाया तो इस मुर्दे को जिंदा होने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। एकता सिंह, डीआईडी टीवी, दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसने अपना ही डेथ सर्टिफिकेट बना लिया था और इसका इस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश और ये रहने वाला रघुवीर नगर का है और इससे हमने उसका जो डेथ सर्टिफिकेट इशूड हुआ है एमसीडी से वो हमने रिकवर कर लिया है। इसके अलावा जो स्लिप जो बनाया था क्रिमेशन चार्जेस वगैरह के लिए जो भी वो अपने नाम से ही बनाया हुआ था वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। तो इसका किस्सा ये है दैट 1996 में एक केस रजिस्टर हुआ था इसके खिलाफ, ये जो ओम प्रकाश के खिलाफ में और उसके साथियों के खिलाफ में, क्योंकि ये जो डेड एनिमल्स को स्किन करते हैं और स्किन करने के बाद में फिर आगे वो स्किन बेचते हैं, तो इनके खिलाफ एक पॉइजनिंग ऑफ एनिमल्स का था प्लस स्किनिंग के केस रजिस्टर हुआ था। उस पर इसने क्या किया था, जो ओम प्रकाश ने एक इसका जो आई मीन एक डिस्टेंट रिलेटिव अशोक को कहा था तू ओम प्रकाश बन जा और उसको फिर में उसमें वो अरेस्ट हो गया था अशोक ओम प्रकाश के नाम से। उसके बाद 2008 में अशोक मर गया। जब अशोक वो मर गया तो उसने फिर ये साजिश रची दैट अशोक को दिखा दिया दैट वो ओम प्रकाश है और उसमें क्रिमेशन चार्जेस वगैरह भी ओम प्रकाश के नाम से लेके फिर उसने अपने आई मीन डेथ सर्टिफिकेट इशू करा लिया एमसीडी से और वो डेथ सर्टिफिकेट लेके कोर्ट में फाइल कर दिया दैट ये जो ओम प्रकाश था जो एक्यूज है वो मर गया है। तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट हो गया क्योंकि ये एमसीडी का डेथ सर्टिफिकेट था। और इसका एक प्लान था, एक जो एक विडो पेंशन होता है अगर जो गरीब व्यक्ति होता है तो उसके अगर हस्बैंड मर जाता है तो विडो का पेंशन मिलता है, तो उसका भी ये प्लान था दैट इस डेथ सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करके तो अपने वाइफ और के लिए वो पेंशन के लिए अप्लाई करता। तो इसको हम ही हैज़ बीन अरेस्टेड और हमने चीटिंग वगैरह का इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करके इसको हमने अरेस्ट कर लिया।